तोमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे एहतजाज में तशरीफ लाए और इसकी क्या थी बैरिस्टर गौर साहब इंतहाई काबिले एहतराम अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान साहब इंतहाई काबिले एहतराम इस्लामाबाद के मुंतखब फॉर्म 45 के एमएलए आमिर मुगल साहब इंतहाई काबिले एहतराम इस्लामाबाद के हजारों वोटों से जीते हुए एमएलए अली बुखारी साहब इंतहाई काबिले एहतराम हमारे तीसरे मुंतखब एमएलए मोहतरम शोएब शाहीन साहब कलातीन हजरत अस्सलाम वालेकुम आमिर मुगल साहब ये तीनों हजारों वोटों से एमएलए जीते हुए आज पूरे पाकिस्तान में खबर से कराची तक तहरीक इंसाफ के वर्कर खवातीन हजरात तमाम मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग इस वक्त सड़कों पर अपना एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जो आईने पाकिस्तान जिसकी हमें इजाजत देता है। आज इस कौम ने खौफ के सारे बुत तोड़ दिए हैं। हम अपना आंसू गैसों से डरते हैं ना मुकदमात से डरते हैं ना इस पुलिस से डरते हैं जिसने चारों तरफ हमारा घेरा तंग किया हुआ है ना हम पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी से डरते हैं। हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के मकबूल लीडर आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान रिहा नहीं होता। आज फरवरी को जो खामोश इनकलाब के जरिए पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिए ये वोट की ताकत उस ताले की चाबी बनेंगे जो डाला जेल का ताला है और इमरान खान भी रिहा होगा बुशरा बीबी भी रिहा होंगी शाह महमूद भी रिहा होंगे परवेज इलाही भी रिहा होंगे चौधरी इजाज मियां महमूद रशीद और चीमा साहब हमारे गवर्नर थे वो भी रिहा होंगे हमारे बेगुनाह बहने यास्मीन बाशर आलिया हमदा सनम जावेद भी रिहा होंगी तो मेरे दोस्त आप उस मंजिल की जानिब बढ़ते चलो जो मंजिल थी बकौल फैज अहमद फैज निजात है दीदा दिल की कड़ी नहीं आई चलिए चलो चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई इंशाल्लाह वो मंजिल आएगी इमरान खान के इस मुल्क के वजीर आजम जब हम बनेंगे तो वो मंजिल आएगी। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इमरान तेरे चांद निसार इमरान तेरे चांद निसार इन गिरती हुई दीवारों को इस कौम के गद्दारों को इन चोरों और डाकुओं को अमेरिका के यारों को मैं आसान खिलाफ हूँ।